बहादुरगढ़ पुलिस ने आज तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों युवक फोन पे के माध्यम से दुकानदारों से ठगी करते थे। हाल ही में इन्होंने 5 दुकानदारों को ठगी का शिकार बनाया है। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार ये लोग दुकानदारों के पास जाते थे, सामान खरीदते थे और फोन पे के जरिए पेमेंट ना पहुँचने पर सर्वर डाउन की वजह बताकर ठगी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि दमदमा मोहल्ला निवासी दुकानदार वीरेंद्र ने पुलिस को शिकायत दी कि तीन युवक उसके दुकान पर आए थे और नोटों की माला लेकर चले गए। पेमेंट फोन पे के जरिए की गई थी जो अभी तक अकाउंट में नहीं पहुंची। ठगी करने वाले युवक दुकानदार को एक फोन नंबर भी देकर गए थे कि यदि पेमेंट ना पहुंचे तो वह इस नंबर पर संपर्क कर ले। तो वहीं जब पुलिस ने इस नंबर पर संपर्क किया तो वह किसी अन्य व्यक्ति का ही निकला। उस व्यक्ति ने बताया कि उसके ही गांव के तीन युवक इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। इसी आधार पर पुलिस ने आज तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने जब गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसमें फ्रॉड करने का जरिया बताया गया था। उसी के माध्यम से वह लोगों के साथ ठगी करते थे। कुछ समय पहले शहर में 2-3 व्यापारियों से सामान लेकर ने और पैसे पे फोन के जरिए भेजने बारे कहा था उन्होंने। तो जब पैसे नहीं आए तो उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि सर्वर डाउन चल रहा है, पैसे आ जाएंगे। तो एक रमेश कुमार है दमदमा मोहल्ले का, तो उससे भी एक माला ली थी। माला लेते थे ये और वो सामान नहीं लेते थे, नोटों की माला लेते थे। और उसको एक नंबर दे गए थे वे कि भी अगर नहीं आओ तो ये नंबर से आप कांटेक्ट कर लेना। हमने साइबर की मदद से उसका कांटेक्ट किया तो वो किसी और का था और उसने ये बताया कि हमारे गांव के सुमित, प्रदीप और वीरेंद्र है, ये इस प्रकार की वारदात करते हैं, उन्होंने पहले भी इस प्रकार किया है। उसके आधार पर हमने इनके घर रेड करी तो ये इनको काबू किया, पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जिसमें फ्री ब्लैक्स मोबाइल्स कॉम नाम की एक साइट है, उसकी सहायता से फ्रॉड करने का तरीका बताया गया था और उसकी सहायता से ही हमने ये फ्रॉड किया है। उसमें जो मैसेज भेजते हैं मैसेज चला जाता है लेकिन पेमेंट नहीं जाती। तो इस प्रकार इन्होंने वो कराया। इन्होंने 5 वारदात कबूली है, 3 हमारे शहर की है और 1 रोहतक की है, 1 बाड़ंद गांव की। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मामला दर्ज कर युवकों को रिमांड पर लिया गया है। बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट। सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।